Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगी। परेशानियां बहुत टाइप की होती हैं और जब हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है तो हम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। जैसे ही आपका चार्ट है, अब इसको हम मून चार्ट और आपका लगन चार्ट दोनों चार्ट समझ सकते हैं। परेशानियां आती क्यों हैं उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूं। अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और उसकी प्लेसमेंट अगर सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में होती है तो आप परेशानियों से घिर सकते हैं, बिकॉज ये जो तीनों हाउसेज हैं इनका संबंध है परेशानियों से। और अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि, राहु और केतु की प्लेसमेंट कहीं पर होती है तब भी आप परेशानियों से घिर सकते हैं। जैसे सैटर्न की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में है तो शरीर को लेकर परेशान, नाम को लेकर परेशान। राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है या केतु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजें आपको परेशान कर सकती हैं इनिशियल लाइफ में। सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है या राहु सेकंड हाउस में है या केतु सेकंड हाउस में है तो वेल्थ एंड वैल्यू को लेकर परेशान। थर्ड हाउस में अगर ये योग बनता है, जैसे थर्ड हाउस में अगर सैटर्न है या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है या केतु है, केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है या राहु है तो कम्युनिकेशन को लेके परेशान, डेली के काम को लेके परेशान। फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न है, राहु है या केतु है, सुख को लेके परेशान। हो सकता है कि आपका अर्ली एज में घर ना हो, कंफर्ट्स की चीज़ें आपके पास ना हो, अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छा घर का सामान ना हो, तो ये सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। फिफ्थ हाउस में अगर ये योग बनता है, सैटर्न अगर यहाँ पर यह एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु या केतु है, तो चाइल्ड बर्थ को लेके परेशान, रोमांस को लेके परेशान। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बन रहा है, किसी भी हाउस से संबंधित चीजों को लेके अगर आप परेशान हैं, जैसे जॉब को लेके, मैरिज को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, आयु को लेके, बीमारियों को लेके, एजुकेशन को लेके, कैरियर को लेके, इनकम को लेके और अपनी नींद को लेके या अपने सुख को लेके अगर आप परेशान हैं, अपने प्लेजर को लेके अगर आप परेशान हैं तो उसकी बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है। परेशानियों का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमें बांध देती है, हमें उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों से जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है और हम दिन रात परेशान रहते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में बताया है कि सैटर्न की प्लेसमेंट अगर कहीं पर होती है या कहीं पर सैटर्न अगर देखता है तो उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके हमारी लाइफ में नीड बढ़ जाती है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारी नीड को। और राहु की प्लेसमेंट अगर कहीं पर होती है तो राहु भी इनिशियल लाइफ में सैटर्न की तरह काम करता है। इनिशियल लाइफ मतलब आपकी जब एज 42 की एज तक आप उसको इनिशियल लाइफ समझ सकते हैं। केतु की प्लेसमेंट अगर कहीं होती है तो इनिशियल लाइफ में आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हो सकता है कि बाद में आप वहाँ से निकल जाएं या वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएं, लेकिन इनिशियल लाइफ में आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। तो सैटर्न, राहु और केतु अक्सर हमें परेशान करते हैं शुरुआती जीवन में, लेकिन बाद में हम समझ पाते हैं कि सैटर्न का मतलब क्या था, राहु का मतलब क्या था, केतु का मतलब क्या था। सैटर्न, राहु और केतु जो हैं ये हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और ये हमें सिखाते हैं कि एक्चुअल में जीवन क्या है, लाइफ क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमारी लिमिटेशन है, कितनी हमें अपनी सोच रखनी चाहिए, कितनी चीज़ें हमें मिलेंगी, कितनी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ये तीन ग्रह जो हैं ये डिसाइड करते हैं और हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो तीन ग्रह हैं ये किसी ना किसी डेटी के कंट्रोल में है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं तो ये सारी घटना कहीं ना कहीं एक काल के अंदर हो रही है, यानी समय के अंदर हो रही है। और समय को कौन कंट्रोल करता है? समय को कंट्रोल करते हैं काल भैरव। काल यानी समय, भैरव यानी भय यानी फियर। तो समय और फियर,
समय और फियर को कंट्रोल अगर करना है तो आपको काल भैरव की पूजा करनी होगी, या काल भैरव के मंदिर में जाना होगा, या काल भैरव का मंत्र का जाप करना होगा। दूसरा, काल भैरव जो है उनके जो पशु हैं वो है ब्लैक कलर का डॉग, तो अगर आप ब्लैक कलर के डॉग को फीड करते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म होती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी करनी है, 1.25 मीटर आपको काला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर मतलब 1.25 मीटर या 1 गज मान लें आप, इतना कपड़ा, कपड़े को अगर नापेंगे अगर वो आपके हाथ के इतने बराबर होता है तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये 1.25 मीटर है। और एक ड्राई कोकोनट नारियल, यानी जो नारियल हम पूजा में चढ़ाते हैं वो नारियल आपको यूज़ करना है। 25 ग्राम्स आपको जौ यूज़ करने हैं, 25 ग्राम्स आपको काले तिल यूज़ करने हैं, 25 ग्राम्स आपको साबुत उड़द की ब्लैक वाली जो दाल होती है वो यूज़ करनी है, 8 आपको लोहे की कील यूज़ करनी है, आयरन नेल्स जो होती हैं, और 8 आपको एलमंड्स यूज़ करने हैं यानी बादाम। इन सबको क्या करना है, उस काले कपड़े के अंदर बांधना है और इसको 7 टाइम क्लॉक वाइज रोटेट करना है हेड के ऊपर से, और इसको सैटरडे वाले दिन आफ्टर सनसेट बहते पानी में बहा देना है। और ये प्रोग्राम आपको एवरी सैटरडे को करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती, कम से कम आपको 8 सैटरडे करना है, और आपको ब्लैक कलर के डॉग को फीड करना है, और सैटरडे के दिन आपको काल भैरव के मंदिर में जाना है, बिकॉज काल भैरव जो हैं वो समय को कंट्रोल करते हैं और हमारी लाइफ के अंदर जो भय है, जो डर है, उसको भी काल भैरव कंट्रोल करते हैं। और ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेमेडी मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कभी अगर मैं परेशान रहा था अपनी लाइफ में तो मैंने इस रेमेडी को फॉलो किया था और मैंने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, रेमेडीज़ के बारे में नहीं बताता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं आज आपको ये वाली रेमेडी बता रहा हूँ। ये जो 3 रेमेडी है ये आपकी लाइफ से आपकी परेशानियों को ख़त्म कर सकती है, और ऐसी कई और रेमेडीज़ हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो किसी भी हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके अगर आप परेशान हैं और वो चीज़ें अगर स्टक हो गई हैं, फंस गई हैं, आप उस चीज़ को चला नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ चल नहीं पा रही है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका शरीर हो, तो आप इस रेमेडी को करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।